साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान में मतदान की तारीख बदल दी गई है। पहले 23 नवंबर को होना था मतदान, 23 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को होगा मतदान। बता दें एकादशी के कारण चुनाव तिथि में बदलाव किए गए हैं। नवंबर को बड़े पैमाने पर शादियां और सामाजिक आयोजन के चलते ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान में मतदान की तारीख बदल दी गई है। बता दें कि 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होना है। नवंबर को बड़े पैमाने पर शादियां और आयोजन के चलते ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। 23 नवंबर को मतदान होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है कि राजस्थान में मतदान की तारीख बदल दी गई है। 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा राजस्थान में। चलो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी स्टेट हेड जुड़ गई हैं पूजा जोशी जी। पूजा जी, राजस्थान में मतदान की तारीख में बदलाव किए गए हैं, किस दिन चुनाव होंगे अब? मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। पहले 23 नवंबर को चुनाव की जो है डेट फिक्स थी, लेकिन अब 25 नवंबर को मतदान होना है। पहले 23 नवंबर रखा गया था, लेकिन आज जो है इसकी डेट बदल गई है। और आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के कारण यह माना जा रहा है कि इससे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है, इसलिए क्योंकि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और बहुत बड़ा इस दिन सावा होता है। सब राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में इस दिन बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ रहती है, सावे होते हैं और इस त्योहार को जो है सब बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदान की तारीख बदली है, इसके अलावा नामांकन की जो शुरुआत और नाम वापसी की मतगणना थी, सही सभी जो शेड्यूल है वो पहले जैसे ही रखे गए हैं। नियमों के तहत राजस्थान में चुनाव की प्रक्रिया 5 दिसंबर से पहले ही खत्म हो जानी चाहिए। यह पहली बार है राजस्थान में कि विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख बदली गई है, क्योंकि पहली बार देखा गया है कि पहले 23 तारीख रखी गई थी और अब अचानक से जो है 25 तारीख कर दी गई है। आज सुबह ही पाली सांसद पीपी चौधरी ने जो है चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि मतदान की तारीख बदली जाए, उसी को लेकर आज मतदान की तारीख बदल दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए इस बार 47 दिन मिलेगी। 2018 में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी और 7 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से 2018 में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए 62 दिन मिले थे, लेकिन इस बार जो है 47 दिन है, यानी कि पहले की 2018 के चुनाव से इस बार 2023 के चुनाव में कम दिन देखे गए हैं। इस बार 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी है और 25 नवंबर को वोटिंग होने के कारण सिर्फ 47 दिन ही मिल रहे हैं। साथ ही देखिए, पहले जो डेट तय की गई थी अब राजस्थान में उस दिन क्या है, अबूझ सावे यानी कि 23 नवंबर। तो राजस्थान में मतदान के दिन संस्कृति व धार्मिक आस्था से जुड़ा बहुत बड़ा पर्व होता है ये देवउठनी ग्यारस। यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में इसका ज्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है। इस दिन बहुत ज्यादा शादियां होती है और बहुत ज्यादा जो है भीड़ भाड़ यहाँ देखी जाती है। प्रदेश में यह पर्व अबूझ सावे के रूप में विख्यात है, मतलब इस दिन बिना मुहूर्त पूजा मतलब पूछे शादी की जा सकती है। कहते हैं ना कि हम शादी कर किसी की भी शादी होती है तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन देवउठनी ग्यारस के दिन पूरे दिन शादी का माहौल रहता है और ये सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रचलित है। इस दिन को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इस दिन क्या है, चुनाव आयोग ने इन सब ने बैठक की और उसके बाद में ये पता चला कि इस दिन कहीं ना कहीं वोट इसको लेकर घट सकते हैं, तो उन्होंने 23 की जगह 25 नवंबर चुनाव की तारीख कर दी है। जी सीमा जी, पूजा जी, जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।